नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जाते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, विधानसभा में अब प्रवेश नहीं कर पाएंगे विधायक, जाने वजह। रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्पीकर महंत के मुताबिक विधानसभा में वैक्सीन लगाने वालों को ही एंट्री मिल पाएगी। जो विधायक वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें ही विधानसभा में प्रवेश मिलेगा, और जिन विधायकों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्पीकर ने आगे कहा है कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वे जल्द पहली डोज लगा लें, जिन्हें पहली डोज लगी है उन्हें दूसरी डोज लगवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगला अपडेट है, छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई के बाद से व्यापक बारिश की संभावना। अभी स्थानीय सिस्टम की वजह से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 जुलाई के बाद से मानसूनी तंत्र का प्रभाव और व्यापार होगा और भारी बारिश के भी संकेत हैं। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि मंगलवार 6 जुलाई को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली गिरने की आशंका है। मध्य छत्तीसगढ़ समेत बस्तर संभाग के 2 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान है। हालांकि अभी भारी बारिश की संभावना नहीं है, अभी स्थानीय सिस्टम की वजह से ही रायपुर समेत दुर्ग, राजनांदगांव जैसे जिलों में बारिश की संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। बीते कुछ दिनों से बादल छाने के बाद भी बारिश न होने से उमस बढ़ने लगी थी। मानसूनी तंत्र के प्रभाव से सोमवार शाम करीब 4:45 बजे बादलों के गरजने के साथ ही झमाझम बारिश हुई। करीब 4.25 घंटे तक हुई इस बारिश में 75.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। झमाझम हुई बारिश में राजधानी रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति आ गई। अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ फिर बड़ा लॉकडाउन 12 जुलाई तक, जाने क्या है अब अनुमति और क्या है प्रतिबंधित। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला प्रशासन कोरोना के संक्रमण के चलते अब भी सख्त है। जिले में एक बार फिर 7 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मामले में कम होने पर मिली छूट के बाद से अब तक जिले में 5 बार लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। कलेक्टर नम्रता गांधी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन 12 जुलाई की रात 12 बजे तक बढ़ाया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले बहुत कम हो गए हैं, लेकिन बाजार खुलने के बाद फिर से भीड़ बढ़ने लगी है, इसके चलते कोविड संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। हालांकि मजदूरों, निम्न आय वर्ग और व्यापारियों के हितों की सुरक्षा भी जरूरी है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिले में सभी स्विमिंग पूल, थीम पार्क, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर सब खुलेंगे। हालांकि आने वाले दर्शकों के नाम और पते की डिटेल रखनी होगी। सैनिटाइजर और मास्क निशुल्क उपलब्ध कराना होगा। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, बलौदा बाजार खबर का फिर बड़ा असर। शिक्षिका से बोकरा भात मांगने वाला बाबू निलंबित। कसडोल विकासखंड अंतर्गत बकरा भात के लिए चंदा नहीं देने पर टीचर का वेतन रोकने का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बलौदा बाजार ने कार्यवाही करते हुए सहायक ग्रेड 3 हरीश कुमार पटेश्वर को पीड़ित शिक्षिका की शिकायत पर निलंबित कर दिया है। बता दें कि शिक्षिका ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है। शिकायत में स्कूल के प्राचार्य और बाबू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शासकीय हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षिका रीना ठाकुर ने स्कूल के प्राचार्य और बाबू पर वेतन रोकने, बदतमीजी और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत में टीचर ने कहा है कि बकरा भात के लिए चंदा नहीं देने पर स्कूल के प्राचार्य और बाबू ने उनका वेतन रोक दिया। इसके साथ ही टीचर ने प्रताड़ता का भी आरोप लगाया था और बताया कि लगातार बदतमीजी और मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, जिससे वे बेहद आहत हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद यह मामला सामने आया है। अगली बड़ी खबर है, 8 नए राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्रीय मंत्रिमंडल से थावर चंद गहलोत की विदाई। MP में मंगू भाई बने राज्यपाल। देखिए किसे कहां की मिली जिम्मेदारी, भोपाल। केंद्र सरकार ने 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से पहले केंद्र सरकार में मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया है। इसके साथ ही गहलोत की केंद्रीय मंत्रिमंडल से विदाई तय हो गई है। रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। बैस इससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे। बैस की जगह सत्यनारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है।
हरिभाव कंभापति को मिजोरम, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर को हिमाचल प्रदेश, पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा और बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। अगला अपडेट है सम्मान समारोह। राज्यपाल उइके ने डॉक्टर्स का किया सम्मान, कहा कोरोना काल में बचाए लोगों की जान। रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंगलवार को राजभवन में डॉक्टर्स डे के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला, एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर एवं हॉस्पिटल बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता का सम्मान किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी समाज के लोग दयालु एवं मदद करने के लिए आतुर रहते हैं। कोरोना काल में सभी का अहम भूमिका रहा है, अपने प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेश को लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाए। राज्यपाल उइके ने कहा कि कोरोना काल में जो आप लोगों ने सेवा कार्य किया वो सराहनीय है। आप लोगों ने समर्पण भाव से मरीजों की सेवा की जिससे मरीजों की जान बची। उन्होंने डॉक्टर शुक्ला से कहा कि कोरोना काल के दौरान राज्य के विभिन्न शासकीय अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन एवं दवाइयों की व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है कैप्टन कूल ऐप से कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी और पर्यावरण संरक्षण में मिलेगी मदद। पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कैप्टन कूल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप को नेचर बॉडी इको क्लब के छात्र छात्राओं ने शिक्षक पानू हल्दार के मार्गदर्शन में तैयार किया है। ऐप के माध्यम से आमजन तथा छात्र छात्राएं अल्प कार्बन के उपयोग वाली जीवन शैली के प्रति जागरूक हो सकेंगे। पर्यावरण मंत्री ने इस ऐप का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह ऐप कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने सहित पर्यावरण संरक्षण में काफी मददगार होगा। उन्होंने ऐप के निर्माण के लिए नेचर बॉडी इको क्लब को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि जलवायु साक्षरता एवं जागरूकता अभियान के तहत कैप्टन कूल ऐप को बनाया गया है। इसमें दैनिक जीवन में उपयोगी इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से उत्सर्जित कार्बन की मात्रा की जानकारी मिल सकेगी और इनका बेहतर ढंग से उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कमी ला सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने शुरू किया चरणबद्ध आंदोलन। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की। मंगलवार को राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के 307 ब्लॉक में कांग्रेस के लोगों ने पेट्रोल पंपों में झांझ मजीरा और बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आम जनता से कोरे फ्लैक्स पर महंगाई एवं केंद्र सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर भी कराया। प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में 14 और 27 जुलाई को भी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। अगला अपडेट है घर बैठे मिल रहा लाइसेंस और आरसी बुक। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड के लिए आवेदकों को अब परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना नहीं पड़ रहा है। प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालय में बनने वाले लाइसेंस और आरसी बुक की छपाई परिवहन विभाग द्वारा पंडरी स्थित पुराने परिवहन कार्यालय में शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग अब तक 10,000 आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर सीधे आवेदक के घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज रहा है। इसकी शुरुआत होने से लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ कार्यालय के फेरे नहीं लगाने पड़ रहे हैं। वहीं एजेंटों से भी छुटकारा मिल गया है। ज्ञात हो कि प्रदेश भर के परिवहन कार्यालय से एक साल में तकरीबन 2,00,000 से अधिक लाइसेंस और आरसी कार्ड बनते हैं। वर्तमान में लर्निंग लाइसेंस आरसी के लिए आवेदक को आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आवेदक द्वारा परिवहन कार्यालय की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदक को लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 3 से 4 बार चक्कर लगाने पड़ते थे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ वीडियो में ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के साथ।